नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही यूज़फुल सामान है जो कि आप सबके लिए बहुत ही काम का चीज़ है, और ये है एक वेट मशीन। ये मी वीडा कंपनी की तरफ से है और इसको आज हम क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो मेरे पास ये मी वीडा का डब्बा है, चलिए इसको खोलते हैं। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं ये देखिए, सबसे पहले ये मेन यूनिट आपको मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ये ग्लास का बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अंदर में आप चेक करेंगे तो आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा जिसमें आपको कैसे यूज़ करना है इसको पता चलेगा। फिर इसके अंदर में आपको एक दो ठो बैटरी भी मिलेगा, ट्रिपल ए साइज का बैटरी मिलेगा। और इस डब्बे के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, और डब्बे में लिखा हुआ है कि ये 180 केजी तक ये वेट को नाप सकता है। इसमें रूम टेम्परेचर नापने का भी फैसिलिटी है, और ये ओवरलोड एरर इंडिकेटर, अगर ओवरलोड हो जाता है तो यहाँ पे एरर दिखाता है। ऑटो ऑन ऑफ यानी कि ये खुद से ऑन या स्विच ऑफ हो जाता है ये, और इसका LED डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, और लो बैटरी इंडिकेटर, इसमें लो बैटरी इंडिकेटर भी है। तो चलिए अब मेन यूनिट में क्या है इसको देखते हैं। तो ये है मेरे पास मेन यूनिट, इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, इसका लुक भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। पूरा जो बॉडी है एक्चुअली ये ग्लास से बना हुआ है, और इसका मैंने मैनुअल पढ़ा है। इसके मैनुअल के अनुसार पीछे में ये जो है ये एक्चुअली सेंसर्स है, इसी से सेंस करता है और ये हमें वेट को कैलकुलेट करके देता है। यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जिससे ये यूनिट को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप किलोग्राम यूनिट में लेना चाहते हो तो आप किलोग्राम यूनिट में ले सकते हैं, और अगर आप इसे पाउंड में मेज़र करना चाहते हो तो पाउंड में मेज़र कर सकते हो। और ये है बैटरी का स्लॉट, यहीं पे हमें बैटरी को इंसर्ट करना है। तो चलिए हम बैटरी को इंसर्ट करते हैं। ये आपको मैंने बैटरी का ये खोला, देखिए, उसके बाद फिर मैंने इसको बैटरी को यहाँ पे लगाया। अब ये बैटरी पूरी तरह से लग गया है। तो फ्रेंड्स, इस मेन यूनिट में मैंने बैटरी लगा लिया है, और इसका एक ख़ास बात ये है कि इसका स्विच ऑन और या फिर स्विच ऑफ करने के लिए कोई बटन या फिर कोई स्विच नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। यानी कि आप इस पे कदम रखते ही ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और आप इससे उतरते ही 10 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ भी हो जाता है। तो बहुत ही कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना, और इसमें बैटरी इंडिकेटर भी है। चलिए इसको कैसे यूज़ करते हैं एक डेमो करके दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है इसका LED डिस्प्ले जहाँ पे वेट कैलकुलेट होकर दिखाएगा, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर का भी शो करेगा। अभी देखिए ये स्विच ऑफ है, मैं इसका कोई स्विच नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कदम रखता हूँ, ये देखिए इसके सेंसर्स एक्टिवेट हो गया, और ये अपना एक वेट कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मेरा वेट 68.90 किलोग्राम है, और यहाँ का जो रूम टेम्परेचर है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है। तो यही इस मशीन का खूबी है, देखिए। और ये 10 सेकंड के बाद ये खुद से बंद भी हो गया। अभी जो ये अपना वेट शो कर रहा था वो किलोग्राम में था, केजी में था। अब मैं मान लीजिए मैं इसका वेट मैं पाउंड्स में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए स्विच ऑफ है ये मशीन। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो बटन है इसको मैं एक बार प्रेस कर दूँगा। तो ये देखिए ये अब ये पाउंड में ये कन्वर्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पे LB। फिर से अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये अब दोबारा से ये किलोग्राम में आ गया। तो मैं इसको फिर से दोबारा से मैं इसको वापस से पाउंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर अब मैं दोबारा से जब मैं वेट लूँगा तो अब ये पाउंड में अपना वेट को कैलकुलेट करके ये देगा। यूनिट मैंने पाउंड में सेट किया हुआ है, अब देखिए ये 152.8 पाउंड्स लगभग मेरा ये वेट है, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, और बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना, और मैं तो रेकमेंड करूँगा हर किसी को अपने घर में ये रखना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का, खुद का हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। और बहुत ईज़ ऑफ यूज़ है इसको, देखा आपने कितना आसानी से मैंने इसको यूज़ किया। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये मी वीडा कंपनी की तरफ से है, अमेज़ॉन से आप खरीद सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, और अपना राय अपना कॉमेंट जरूर कॉमेंट बॉक्स में दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे लाइक करना या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।